श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ऐसे तो श्री रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने रचा है, बनाया है, ये बहुत ही भक्ति में है, पूर्णतया भक्ति में है। मैंने इसमें से कुछ दोहे, सोरठे और चौपाइयों को चुना है और चुन करके उनको गाया है और उनका अर्थ भी बोलने का प्रयास किया है। इसमें यदि कोई त्रुटि है तो वो मेरी है, कृपया भगवान भी मुझे उसके लिए क्षमा करेंगे और मैं सभी श्रोताओं से भी उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ। और आओ हम ये सुनने का और अर्थ समझने का प्रयास करें। जय श्री राम। वर्णानामार्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों के करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी को मैं प्रणाम करता हूं। जय श्री राम। भवानी शंकरो वंदे सिद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री गणेश जी को मैं करबद्ध वंदना करता हूँ। उनकी वंदना के बिना सिद्ध जन भी अपने अंतःकरण में ईश्वर को नहीं देख सकते हैं। जय श्री राम। वंदे बोधमयम् नित्यम् गुरुम् शंकर रूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रो भी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरुजी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित हो जाता है। जय श्री राम। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर वदन करउ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। श्री गणेश जी सब कार्य सिद्ध करने वाले हैं, वो गणों के स्वामी हैं और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वो बुद्धि के राशि हैं, शुभ गुणों के धाम हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि श्री गणेश जी की हम सब पर कृपा रहे। जय श्री राम। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवउ सकल कलिमल दहन। जिन प्रभु की कृपा से गुंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ सकता है, वे सब पापों को नाश करने वाले हैं। वे प्रभु मुझ पर सदा दया करें, हम सब पर दया करें। जय श्री राम। नील सरोरुषाम तरुण अरुण बारिज नयन करउ सुमम उर धाम सदा चीर सागर सयन। जिन प्रभु का नील कमल के समान श्याम वर्ण है और पूर्ण खिले हुए कमल के समान जिनके नेत्र हैं, जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि वो मेरे हृदय में निवास करें। जय श्री राम।
कुंद इंदु समदे है उमा रमण करुणा आयन जाहि दीन परने है करऊं कृपा मर्दन मयन। कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान जिनका शरीर है, जो माता पार्वती के प्रियतम है, दया के धाम है और दीनों से स्नेह करने वाले हैं, वे कामदेव का मर्दन करने वाले हैं, वे शिव भगवान सब पर कृपा करें। जय श्री राम। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज की वंदना करता हूं जो नर रूप में श्री हरि के समान ही है और जिनके वचन मोह माया को समाप्त करने में के लिए एक सूर्य के समान है। जय श्री राम। बंदौ गुरु पद पदम परागा सुरचि सुवासु सरस अनुराग अमीय मय चूरन चारु समन सकल बवरुजु परिवारु। जो सुरुचि सुगंध और अनुराग रूपी रस से पूर्ण है वह अमर मूल है, वह अमर मूल के सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भाव रोगों के परिवार को नाश करने वाले हैं। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूं। जय श्री राम। आकर चार लाख चौरासी जाति जीव जल थर नभवासी सिय राम मय सब जग जानी करम प्रणाम जोरी जुग पानी। इस संसार में 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, जल में रहने वाले, पृथ्वी में और आकाश में। मैं इन सबको श्री राम में जानकर सबको प्रणाम करता हूं। जय श्री राम। एक अनीह अरूप अनामा अज सचिदानंद पर धामा व्यापक विश्व रूप भगवाना तेहि दहि देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक है जिनमें कोई इच्छा नहीं है, जिनका ना कोई रूप है ना कोई नाम ही है, जो अजन्मे है, सचिदानंद है और परम धाम है, जो सब में व्यापक और विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने राम रूप में यह शरीर धारण किया है और अनेक प्रकार की लीलाएं की है। जय श्री राम। गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणवौ दीन बंधु दीन दानी सेवक स्वामी सकाश पीके हित निरुपधि प्रभु विधि तुलसी के। श्री महेश जी और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य ध्यान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, और मुझ तुलसीदास पर सब प्रकार से कपट रहित हित करने वाले हैं। जय श्री राम। प्रणवौ पवन कुमार कल बन पावक ज्ञान घने
जासुर दयागारे बस ही राम सर चाप धरे। जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है, जो ज्ञान के मूर्ति हैं और जिनके हृदय में श्री राम जी सदैव बसते हैं, मैं उन पवन पुत्र हनुमान जी को प्रणाम करता हूं। जय श्री राम। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते, बंधउ पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं, उन पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर लोग जो श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूं। जय श्री राम। गिरा अरथ जल बीच समय, कईयत भिन्न भिन्न, बंद उसीता नाम पद, जियहिं परम प्रिय खिन्न। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की नाव के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न है, एक ही है। जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं, उन सीताराम जी के चरण कमलों में मैं वंदना करता हूं। जय श्री राम। राम नाम मणि दीप धरू, जी है दे हरी द्वार, तुलसी भी तरबार हो, जो चाहे सी उजियारे। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मानव, यदि तू भीतर और बाहर दोनों में उजाला चाहता है, दोनों तरफ से उन्नति चाहता है, तो अपने मुख रूपी द्वार पर जो जीभ है, जीभ रूपी देहली है, उस पर राम नाम का दीपक जला, अर्थात श्री राम का भजन कर, उसी से तेरा कल्याण होगा। जय श्री राम। निर्गुण ते यही भांति बड़े, नाम प्रभाव अपार, कयउ नाम बड़ राम ते, निज विचारी अनुसार। निर्गुण भक्ति से भगवान प्रभु श्री राम जी का नाम जपना अत्यंत बड़ा है, और मेरे विचार से तो राम का नाम स्वयं राम से भी बड़ा है। जय श्री राम। सुमेरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। पवन सुत हनुमान इस पावन नाम को स्मरण करके अपने बस में श्री राम जी को करके रखा है। नाम की बड़ाई कहां तक की जा सकती है? राम के नाम की बड़ाई तो राम स्वयं भी नहीं कर सकते हैं। जय श्री राम। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, सुनिया चर जुन मानी यही, जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत है, उनके गुण भी अनंत है, और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके निर्मल विचार है, वो इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। जय श्री राम।
सकल विघ्न व्यापई नहीं तेहि राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। श्री राम जिनको जिसको भी सुंदर अपने दृष्टि से देखते हैं उन्हें किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं प्राप्त होता। जय श्री राम। वरदायक प्रणतारती भंजन कृपा सिंधु सेवक मन रंजन इच्छित फल बिनु शिव अवराधे नयन कोटि जोग जप साधे। शिवजी भगवान शरणागत के दुखों का नाश करने वाले हैं, कृपा के समुद्र हैं और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। उनकी आराधना करने से वो इच्छित फल भी प्राप्त हो जाते हैं जो करोड़ों योग और जप करने से भी नहीं प्राप्त होते। जय श्री राम। जगदम्बा जय अवतरी सो पुरु बरनी की जाई रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा जगत की माता अवतार ले लेती हैं लिया है उसका वर्णन नहीं हो सकता। वहां सब प्रकार की सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए नए बढ़ते रहते हैं। जय श्री राम। अजा अनादि शक्ति अविनाशनी सदा शंभुवर धंग निवासन जग संभव पालन लय कारण निज इच्छा लीलाभ पुधारणी। माँ पार्वती अजन्मा अनादि और अविनाशनी शक्ति है, वो सदा ही शिव जी के अर्धांग में रहती है। माँ अपनी ही इच्छा से उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली है और अपनी ही इच्छा से लीला शरीर धारण करती है। जय श्री राम। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। हे प्रभु, हे शिव जी भगवान, आप सब प्रकार से समर्थ हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं और सब कलाओं और गुणों के निदान हैं और योग ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जय श्री राम। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी चर अरु अचर नाग नर देवा सकल करही पद पंकज सेवा। हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। जय श्री राम। राम कृपा ते पार्वती सपने हूं पव मन माही शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कचुनाई। शिव जी भगवान कहते हैं, हे पार्वती, मेरे विचार से श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में या इवन सपने में भी
शोक मोह संदेह और कोई भी भ्रम अब शेष नहीं है। अर्थात श्री राम जी की कृपा असीम है। जय श्री राम। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। शिव जी भगवान पार्वती माँ से कहते हैं कि राम की कथा सुंदर ताली के समान है, जिसके बजाने से संशय रूपी सब पक्षी उड़ जाते हैं और राम कथा कली के वृक्ष को काटने के लिए है, कुठार के समान है, इसलिए इसे सादर पूर्वक सुनो। जय श्री राम। जासु कृपासु भ्रम मिटि जाई, गिर जासोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। शिव भगवान पार्वती जी से कहते हैं कि जिनकी कृपा से किसी भी प्रकार के भ्रम मिट जाते हैं वो ही कृपालु श्री राम जी हैं। उनका आदि अंत किसी को भी नहीं मिलता है और वेदों में भी अपनी बुद्धि के अनुसार उनका वर्णन किया गया है। जय श्री राम। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। श्री राम प्रभु बिना पद के बिना पैरों के चल सकते हैं, चलते हैं, बिना कानों के सुन सकते हैं और बिना किसी हाथ के सब प्रकार के कर्म कर सकते हैं, बिना मुंह के सारे रसों का स्वाद ले सकते हैं और बिना वाणी के बहुत अच्छा वक्तव्य दे सकते हैं। जय श्री राम। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेषा। असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाए नहीं बरनी। वे श्री राम बिना ही शरीर के स्पर्श करते हैं, बिना ही आंखों के सब कुछ देख सकते हैं और बिना ही नाक के सब प्रकार की गंधों का ग्रहण कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं। उस परब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि उसका वर्णन करना संभव नहीं है। वह अमित है, अनोखी है। जय श्री राम। बिवसउ जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अग दही। सादर सुमिरन जे नर करहीं, भाव बारिद गोपद इव तरहीं। यदि कोई मनुष्य विवश होकर बिना इच्छा के भी श्री राम जी का स्मरण कर लेता है, नाम ले लेता है, तो उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करता है वो तो इस भाव सागर से एक जैसा रूपी जो समुद्र है इसको बहुत ही सरलता से, जैसे गाय के खुर के गड्ढे के समान हो, ऐसी तरह से पार कर जाता है। जय श्री राम।
जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरही कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, तब तब प्रभु विविध प्रकार के रूप धारण करके, शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। जय श्री राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। प्रभु को तू की प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। श्री हरि की कथा अनंत है, श्री हरि अनंत है, और सब संतगण इसको अनेक प्रकार से गाते और सुनते हैं। प्रभु कौतुकी हैं और दीन शरणागत की रक्षा करने वाले हैं। वो सेवा करने में बहुत सुलभ है और सब दुख हरने वाले हैं। जय श्री राम। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमारतवादी। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, चिदानंद निरूपाधि अनूपा। प्रभु श्री राम निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं, और परमार्थवादी लोग उनका चिंतन किया करते हैं। वेद भी जिन्हें नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, वो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है। जय श्री राम। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरि हर बंदित पद रेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु श्री राम, सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपके चरणों की धूल की ब्रह्मा विष्णु और शिव जय भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जय श्री राम। जे भसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। जो काग भसुंडी के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाले हंस हैं, सगुण और निर्गुण कहकर जिनकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम सब नेत्र भर कर आपको देखें, अर्थात आपके खूब दर्शन करें। जय श्री राम।